स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा, जिसके मन में कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। मैं आभारी हूँ आपका जो आप लोगों आपने मुझे अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की शुरुआत भारत में अमृत काल प्रवेश के बारे में चर्चा शुरू की गई। अमृत काल, ये अमृत काल किसके लिए हमारा माननीय सभापति महोदय? ये अमृत काल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। यह अमृतकाल उनके लिए है, वो अमृतकाल उनके लिए है। आई एम श्योर द ऑनरेबल मेंबर हु इज वेरी सीनियर मेंबर एंड अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, यू मे बी कॉल्ड अपॉन टू ऑथेंटिकेट सम डॉक्यूमेंट्स। ऑफ कोर्स यस, आई विल, आई शैल। सर आई हैव बीन, सर आई केम टू द लिस्ट, सर आई केम टू लेजिस्लेचर 1977। आप पर हम तो पड़ोसी हैं। सर आई केम टू लेजिस्लेचर 1977। आई नो सर। सो प्लीज प्लीज डोंट डाउट माय, अपना रिश्ता पुराना है, इसीलिए गहरा है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको ही कैन हैंडल इट, आपको ये ही कैन हैंडल इट, आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भरे मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए। इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में, किनकी? अमृत काल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृत काल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृत काल किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल जैसा कि राहुल गांधी जी ने में कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है। ये अमृतकाल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं। 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी। 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे। अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है आजकल, ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं। 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ, लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ। यहां तक कि मुद्रा की अब एक बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी एक पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं?
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया और रिलीफ कितना गया? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया। माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव, मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच चुनने का, सच सुनने का चाव। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है, अच्छे इवेंट, कोई भाई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है। जीएसटी का विरोध करते रहे लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट, इवेंट कहां किया? जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा, अच्छे अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहुरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर, माननीय स्वांग मचाता, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। एक माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें कर रहा हूं माननीय सदस्य, उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक सुनिए माननीय सदस्य, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में सत्य कौन रहता सदा, ऑनरेबल मेंबर मोदी भाजपा, ऑनरेबल मेंबर फर्स्ट सर, यू आर सर, इफ आई डोंट यील्ड सर, सर इज नॉट यील्डिंग सर, आई एम श्योर यू शुड नो इट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू डॉक्टर जयराम रमेश दैट ही मस्ट रीड द रूल्स, इफ आई एम ऑन माई फीट एवरीवन हैज टू यील्ड, प्लीज टेक योर सीट, टेक एंड आई कैन टेल यू he is one of the very senior politicians of the country, he does not need anybody's support, this is my suggestion. One second, sir, I'll tell you my difficulty, one second sir, my difficulty, I was there at Surajgund Mela, we had several diplomats, all the SCO countries were there, there were 40 countries, and I reflected on Swang and I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying. Sir, I compliment you. Go ahead. If you are a bigger swang rachita than Modi ji, my compliments to you, sir. Sir,